हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बार फिर से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है काफ़ी लंबा लंबा टॉपिक है, एक या दो क्लास में वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग विशेष कर से अलाउद्दीन खिलजी के जो भूमि संबंधी सुधार थे और उसके जो बाज़ार संबंधी सुधार हैं, ठीक है, खासकर उन पर पूरा अपना लेक्चर जो है फोकस रहेगा, केंद्रित रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। भूमि संबंधी सुधार, भूमि संबंधी सुधारों में अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप के लिए सर्वप्रथम बिछुआ नामक इकाई को आधार बनाया था। तो आप पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि बिछुआ जो नाप की इकाई है वो किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा उसने जो भू राजस्व है वो उपज का आधा भाग लिया। ठीक है, अभी तक क्या होता था, 1/3 लिया जाता था शासकों के द्वारा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जो है 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल करना प्रारंभ कर दिया। उसने गंगा यमुना दुआब में कई एकता भूमि अनुदान इत्यादि रद्द कर दिए थे, यानी कि जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था गंगा यमुना दुआब का, वो उसके कई सारी जो एकता थे या दान में दी गई भूमि थी या जागीर में दी गई भूमि थी, उनको जो है इसने रद्द कर दिया था। ठीक है, और ऐसे उपजाऊ क्षेत्रों को सीधे अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। दूसरा, भू राजस्व की वसीली दिल्ली के निकट क्षेत्रों में अनाज के रूप में की जाती थी, और अनाज जबकि अन्य क्षेत्रों में भू राजस्व जो है नगद वसूला जाता था। तो इस प्रकार से भू राजस्व जो है वो दोनों प्रकार से वसूला जाता था, नगद के रूप में भी और जींस यानी अनाज के रूप में भी। ठीक है, लेकिन ख़ास बात यह है कि जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे वहाँ से अनाज के रूप में ले लिया जाता था, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहाँ से नगद के रूप में ही टैक्स वसूल किया जाता था। इसी दौरान उसने दो नए कर भी लगाए। ठीक है, तो वो दो नए कर कौन कौन से थे आप लोग याद रखना, पहला घरी कर और दूसरा चराई कर। ठीक है, ये घरी कर और चराई कर ये निवास से संबंधित टैक्स होता था और चरागाह से संबंधित टैक्स थे, जो पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के समय पर लगाए गए थे। दूसरा, नेक्स्ट एक कर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने आमिल, गुमास्ते, मुतसर्रिफ नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिनके माध्यम से कर व्यवस्था भूमि की नापजोक कराई जाती थी और साथ ही साथ टैक्स संबंधी जो टैक्स वसूलने का कार्य होता था वो भी इनके माध्यम से किया जाता था। दूसरा, कर संबंधी जो सभी आंकड़े हैं वो पटवारियों को नियुक्त करके इनके माध्यम से रखा जाता था। ठीक है, तो पटवारियों की उसने नियुक्ति की और जिनका कार्य क्या होता था कि कर संबंधी जो आंकड़े हैं वो सारे सब उनकी देखरेख या उनको अपने पास सुरक्षित रखने का कार्य जो है पटवारियों का होता था। इसी दौरान जो है खाता बही शब्द का प्रचलन आरंभ हुआ, और इसी को मतलब ये खाता बही था, किसका कितना टैक्स है, किसकी कितनी ज़मीन है, कौन सी फसल बोई है, ये सारी चीज़ें खाता बही है ना, तो इसी को खाता बही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के समय ही प्रारंभ हुआ था। दूसरी, राजस्व प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इसने एक नए विभाग की स्थापना की थी जो था दीवाने मुश्तक राज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, दीवाने मुश्तक राज विभाग की स्थापना किसने की और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था बकाया जो राशि है उसको वसूला जाना, यानी अब ये किससे वसूला जाता था, यानी कि जो प्रमुख टैक्स अधिकारी होते थे ये क्या करते थे कि बहुत सारा टैक्स जो है पहले जमा नहीं करते थे, कुछ अपने पास खा जाते थे, तो इसीलिए इन लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने दीवाने मुश्तक राज विभाग की स्थापना की और ये कहा कि जिन राजस्व अधिकारियों का टैक्स जो है बकाया है वो उनकी उनसे टैक्स वसूली का कार्य जो है दीवाने मुश्तक राज करेगा। ठीक है, तो ये था दीवाने मुश्तक राज। इसके बाद खिलजी ने पैमाइश व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया, यानी कि उसने भूमि की पैमाइश या नापजोक भी करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में राजस्व की दर 1/6 जो है काफ़ी ऊंची थी। इस दौरान उत्तरी भारत के अधिकतर भागों से कृषि उत्पाद का 50% भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। 50% लिखा होगा या 1/2 लिखा होगा। ठीक है, यानी कि आधा। तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय ही वसूला गया था।
इस दौरान भू राजस्व को क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। ठीक है, चार प्रकार के प्रमुख कर होते थे इस्लामिक धर्मशास्त्रों के आधार पर। पहला खराज, दूसरा जकात, तीसरा खुम्स, चौथा जजिया। ठीक है, तो खराज, खुम्स, तो इस तरह से याद रखिए, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। ठीक है, उसमें जो से जो खराज होता था वो भूमि कर से संबंधित होता था या भू राजस्व होता था। जजिया के विषय में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि जजिया जो है वो क्या होता था, एक तरह एक प्रकार का गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। जकात जो है वो मुसलमानों से एक टैक्स वसूल किया जाता था जो कि उनकी संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था, यानी कि 2.5% हम कह सकते हैं। और जो बचा खुम्स, खुम्स जो होता था वो होता था युद्ध के दौरान जब काफ़ी सारा माल लूट के रूप में प्राप्त होता था, तो उसका बंटवारा जो है किस प्रकार से हो वो जो है खुम्स कहलाता था। वैसे रूल होता था कि 4/5 भाग जो खुम्स का प्राप्त होता था उसका 4/5 भाग, यानी यदि उसके 5 हिस्से किए जाएं तो 4 हिस्से सैनिकों में बांट दिए जाते थे और 1/5 भाग यानी कि 1 हिस्सा सुल्तान अपने पास रखता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस नीति को उलट दिया था और सैनिकों को जो है 1/5 भाग दिया जाता था और 4/5 भाग वो स्वयं रखता था। इसके कई सारे कारण थे। पहला कारण तो यही था कि उसने नकदों को, जब हम सैन्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि उसने जो है सैनिकों का वेतन जो है नकद रूप में प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था, इस वजह से भी उसने ऐसा किया था। तो ये सारी चीज़ें अभी सैन्य व्यवस्था पर हम लोग जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर इसको देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बाजार नीति, जो कि एक नई प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े पैमाने पर कई वस्तुओं की कीमत नियंत्रण लागू किया, यानी कि उसने बहुत सारी वस्तुओं की जो है कीमतें जो है निर्धारित कर दी थी और पूरे मार्केट्स में उस तरह की कीमतें जो है हर जगह प्रचारित भी करवा दी थी और इसका बड़ी सख्ती से पालन भी करवाया था। ठीक है, और इसके पालन के लिए उसने सहनाए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, किसकी नियुक्ति की थी? सहनाए मंडी। ठीक है, अभी यहीं कहीं मिलेगा आप लोगों को, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, सहनाए मंडी। ठीक है, सहनाए मंडी नामक प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति की थी इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करने के लिए अलाउद्दीन ने निरीक्षक नियुक्त किए थे। दूसरा, कीमत नियंत्रण नियम का पालन करवाने के लिए दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती थी, यानी कि अगर किसी ने भी कालाबाजारी करने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा जो है दी जाती थी अलाउद्दीन के द्वारा। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन वस्तुओं की कीमतों को कम करके सैनिकों का वेतन कम करना चाहता था। ठीक है, जिससे वह कम खर्चे पर विशाल सेना रख सके, यानी कि अगर चीज़ों की कीमतें कम होंगी तो लोगों के पैसे थोड़े कम खर्च होंगे और इस वजह से उसको सैनिकों को भी थोड़ा कम वेतन देना पड़ेगा और वह एक विशाल सेना रखने में समर्थ हो पाएगा। बर्नी का मेन उद्देश्य यह था कि बाजार नियंत्रण लागू करने का जो प्रमुख कारण बर्नी ने दिया है वो सीधा सा आप याद रखना कि वो प्रमुख कारण ये था कि सैनिकों की उचित व्यवस्था के लिए और अपनी विशाल सेना के रख रखाव को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार की नीति जो है लागू की थी। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित और क्या कार्य किए अलाउद्दीन खिलजी ने? उसने तीन प्रकार के बाजार, पहला खाद्यान्न बाजार, दूसरा वस्त्र बाजार और कीमती वस्तुओं का बाजार, और दास घोड़े और मवेशियों का बाजार। ठीक है, तो पहला बाजार हो गया खाद्यान्न बाजार, दूसरा वस्त्र बाजार और कीमती वस्तुओं का बाजार और दास। ठीक है, और जो अंतिम था वो था दास घोड़े और मवेशियों का बाजार। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन उसने प्रमुख बाजारों को स्थापित करवाया। इस दौरान बाजार में वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत विभाग की भी स्थापना की। तो ये विभाग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये बाजार नियंत्रण को लागू करवाने पर या उस पर नियंत्रण रखने के लिए उसने इस प्रकार की विभाग की स्थापना की थी, जिसको कहते थे दीवाने रियासत। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जाप्ता नामक अधिनियम बनाया था।
जाप्ता नामक अधिनियम ये बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था। इसमें सभी तरह की कीमतें निश्चित की गई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों के लिए भी नियम बनाए थे, यानी कि जो व्यापारी हैं उनके लिए उसने नियम बनाया था कि पंजीकरण करवाना आवश्यक हो गया, यानी कि आप व्यापार करना चाहते हैं तो जो विभाग है दीवान रियासत वहाँ पर आप लोगों को अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और इसके लिए उसने शहनाई मंडी जो हम लोगों ने बात की थी उसके माध्यम से ये पंजीकरण करवाया जाता था, और साथ ही साथ बाज़ारों में मूल्य कीमतों पर नज़र भी रखने का कार्य शहनाई मंडी के द्वारा किया जाता था। ठीक है, मलिक मकबूल जो है खाद्यान्न बाज़ार का शहनाई मंडी था। ठीक है, तो सबसे पहला जो शहनाई मंडी आपसे अगर पूछ दे कि किसको नियुक्त किया था तो उसका नाम था मलिक कबूल। सराय अदल में व्यापारियों को वस्तु की कीमत निश्चित करने के लिए राजीनामे पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। ठीक है, तो एक सराय अदल होती थी, एक सेनाय, एक खाद्यान्न बाजार होता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन का यह सब बाज़ार सुधार दीर्घकाल में उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। अनावश्यक प्रतिबंधों के कारण व्यापारिक गतिविधियों में धीमापन आया और किसानों व व्यापारियों पर बोझ जो है पड़ गया। अलाउद्दीन खिलजी के नियम अर्थशास्त्र के नियमों के विपरीत थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह बाज़ार व्यवस्था बंद भी हो गई। उसकी यह बाज़ार व्यवस्था अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। कुछ समय के लिए वहाँ के जो सामान्य प्रजा थी उसके लिए काफ़ी राहत हो गई थी, क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतें और काला बाजारी इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से जो है सामान्य प्रजा को काफ़ी फ़ायदा हुआ था और प्रमुख रूप से सुल्तान को भी फ़ायदा हुआ था। लेकिन व्यापारियों की दृष्टि से ये सारे प्रतिबंध जो हैं काफ़ी घाटे के सिद्ध हुए। इसीलिए जैसे ही तुगलक वंश आता है और तुगलक काल में अलाउद्दीन खिलजी की ये सारी जो बाज़ार व्यवस्था थी इसको उलट दिया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं उसके सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक विशाल सेना रखी। इसका मुख्य कारण राज्य की सुरक्षा करना था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुए थे, इसलिए भी एक विशाल सेना रखना उसके लिए मजबूरी थी। और दूसरा, वो कभी कभी सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, तो वो इसी उद्देश्य की थी कि वो भी चाहता था कि वो भी विश्व विजय करे। ठीक है, तो उसने ज़्यादा विश्व विजय तो खैर नहीं की, उसका जो दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क उसने उसको समझा करके इस योजना को त्यागने की सलाह दी, और उसने फिर ये योजना त्याग भी दी थी विश्व विजय की। लेकिन फिर भी उसने अपने समय काफ़ी साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया और दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा अपना जो है साम्राज्य विस्तार किया भी था। दक्षिण भारत में उसने बहुत सारे देवगिरी को अभी जलालुद्दीन के समय क्या किया गया था कि उससे सिर्फ टैक्स लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से देवगिरी को जीता गया, वारंगल को जीता गया, पांड्या राज्य पर आक्रमण किया गया। ठीक है, और इन सभी राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी नीतियां अपनाई थी वो एक तरह से किस तरह प्रकार की नीतियां अपनाई थी कि उनको जीत लिया फिर उधर से टैक्स केवल वसूल करता था और बाकी उनको वहीं पर राज्य करने देता था। ठीक है, तो एक प्रकार से प्राचीन काल में जिस तरह से समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियानों के प्रति मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, उसी प्रकार की नीति कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान के प्रमुख राज्यों को जीतने के उपरांत अपनाई थी। तो इन अभियानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? सेना। इसलिए सैन्य में सुधार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउद्दीन अन्य पड़ोसी राज्यों पर भी आक्रमण किए और वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में लगभग 4,75,000 घुड़सवार जो है शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य सैन्य सुधारों की अगर हम बात करें तो जैसे उसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। दूसरा, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया रखने,
हुलिया यानी सैनिकों की जो पहचान होती थी, उनके लंबाई क्या है, कदकाठी क्या है, कोई कट का निशान है या कोई शरीर में कोई निशान है, वो सारी चीज़ें जो है लिखने, एक रिकॉर्ड रूप में लिखने का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम किसके समय पर किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय। और इसी के साथ साथ घोड़ों को भी दागने का, उन पर एक मुहर लगाई जाती थी, ठीक है, तो वो राज्य की घोड़ों की राज्य की मुहर लगाई जाती थी, जिससे ये होता था कि ये सेना से संबंधित घोड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये प्रथाएं भी उसके द्वारा पहली बार प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो भी सैन्य साम्राज्य विस्तार संबंधित और अन्य कार्य हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो किए गए, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।